2021 T20 वर्ल्ड कप के दौरान ICC की तरफ से ये ऐलान किया गया कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बार फिर से शुरू की जाएगी। इस न्यूज को सुनकर तमाम क्रिकेट प्रेमी बेहद खुश हुए। ICC को फैंस ने शाबाशी भी दी, मगर उसी समय ICC ने अनाउंस किया कि 24 चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान बनेगा। और जैसे ही ये बात सबने सुनी, एक ही स्वर में सारे लोग बोले, नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। और क्या आप भी उसी ग्रुप ऑफ फैंस से आते हैं जो ये पहले से जानते थे कि जैसे जैसे पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की डेट नजदीक आती जाएगी, पाकिस्तान की जान सूखती जाएगी, क्योंकि उनके हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह अपने यहाँ होस्ट करने का मौका भी अब फिसलता हुआ उन्हें दिख रहा है। तो साला होना ही। क्रिकेट इतिहास में भारत कई बार पाकिस्तान दौरे पर गया और हर बार उन पर यकीन करना हमारी टीम के लिए भारी पड़ा है। एक समय तो ऐसा भी आया था जब मैदान पर एक पाकिस्तान के समर्थक ने हमारे खिलाड़ी पर अटैक करके उसकी जर्सी तक फाड़ दी थी, और कुछ खिलाड़ियों पर तो पत्थर और लोहे की बनी चीजें तक बरसाई गई। अब ऐसे पब्लिक के बीच में क्या आप चाहेंगे कि हमारे विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी खेलने उतरें? हेलो, नहीं। बस तो इसीलिए बनाई है हमने आज की वीडियो, एंड तक जरूर देखना। मगर उससे पहले कंग्रेचुलेशंस हमारी यंग टीम इंडिया को, जिसने जिम्बाब्वे को चौथे T20 में 10 विकेट से हराकर सीरीज में 3-1 से अनबीटन लीड ले ली है। मैच में पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे ने 152 बनाए, जिसके जवाब में यशस्वी और गिल की सलामी जोड़ी ने बिना जुदा हुए ये सारे रन 16वें ओवर में ही बना डाले। जायसवाल 93, तो कप्तान गिल ने नॉट आउट 58 बनाए। भारत के लिए ये T20 क्रिकेट में उनकी दूसरी 10 विकेट की जीत है। पहली 10 विकेट से जीत भी टीम इंडिया को जिम्बाब्वे के खिलाफ ही मिली थी, जब साल 2016 में धोनी की कप्तानी में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया था। कमाल की बात है, जिम्बाब्वे भारत से 3 बार ODI क्रिकेट में भी 10 विकेट से पहले हार चुका है, मगर हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हार जाने के बाद जिम्बाब्वे के फैंस भारतीय खिलाड़ियों पर पत्थर फेंके, जबकि ऐसा डर पाकिस्तान के मैदानों पर हमेशा बना रहता है। और वो तो पत्थर के अलावा भी बहुत कुछ फेंक सकते हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का मोटा भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का अपने को। जरा सोचो, विराट भाई को जो ये लोग पाकिस्तान बुलाते रहते हैं, ऐसा ही ये पहले करते थे सचिन तेंदुलकर के लिए। फिर जब हम वहां पहुंचकर पाकिस्तान को हरा देते थे, तो हमारे खिलाड़ियों पर होती थी पत्थरों और बोतलों की बारिश, और इसका गवाह इतिहास है। जैसा कि भारतीय टीम 1989-90 में पाकिस्तान दौरे पर गई थी, इस दौरे के दौरान भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत पर हमला हुआ, जो फील्ड पर आकर एक आदमी ने उन्हें मुक्का मारा और उनकी जर्सी भी फाड़ दी। उसी दौरे पर सिर्फ श्रीकांत ही नहीं, बल्कि पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन पर भी हमला हुआ था, जब उन्हें लोहे से बनी किसी चीज को फेंक कर घायल करने की कोशिश की गई थी। इस बात का खुलासा उस दौरे पर टीम इंडिया के मैनेजर रहे चंदू बोर्डे ने किया था। पाकिस्तान दौरे पर हुए इन हादसों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच अगले 8 सालों तक पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेला गया। आखिरकार साल 1997 में पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को फिर से राजी किया एक 3 मैचों की वनडे सीरीज पाकिस्तान में खेलने के लिए। उन दिनों टीम इंडिया ने पाकिस्तान को कनाडा में हुए एक बायलैटरल सीरीज में 4-1 से हराया था, और सीरीज में हीरो रहे थे सौरव गांगुली, जिन्होंने उस सीरीज में लगातार 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते थे। क्या आप जानते हैं दादा का वो रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है? और ऐसे रिकॉर्ड भारतीय फैंस की खुशी में 4 चांद लगाते हैं, जबकि इस रिकॉर्ड से पाकिस्तानियों की सूजी हुई पाई गई। इसी का बदला उन्होंने लिया सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली के अलावा बाकी टीम इंडिया के खिलाड़ियों से भी। जब साल 1997 में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई, इस बार फिर भारतीय टीम के 4 खिलाड़ियों पर पत्थरों से हमला किया गया। जिन भारतीय खिलाड़ियों पर हमला हुआ, उनमें सौरव गांगुली, नीलेश कुलकर्णी, एबी कुरुविला और देवाशीष मोहंती शामिल थे। दरअसल पाकिस्तान के क्राउड ने इन सभी खिलाड़ियों को, खासकर सचिन, सौरव और देवाशीष मोहंती पर इसलिए हमला किया क्योंकि इन तीनों की वजह से पाकिस्तान उनसे पिछली सीरीज बुरी तरह से हारा था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जी हाँ, इसीलिए तो पाकिस्तान की आवाम जब कहती है कि भैया रोहित शर्मा से या विराट कोहली से या फिर जसप्रीत बुमराह से कि हम आपको पाकिस्तान में खेलते देखना चाहते हैं, तो इंडियन फैंस उनसे जवाब में यही कहते हैं, अरे तू जा रही। साल 2006 में भी पाकिस्तान के दौरे पर अपनी टीम इंडिया पर हमला हुआ था। उस समय कराची टेस्ट के दौरान सचिन तेंदुलकर पर पत्थर फेंके गए थे। सचिन ही नहीं, इस दौरे पर इरफान पठान को निशाना बनाया गया था। इरफान ने एक इंटरव्यू में 2006 के पाकिस्तान दौरे के दौरान अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र किया और कहा कि ये तब हुआ जब वो मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे। इंडिया के मौजूदा चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर पर भी 2006 के पाकिस्तान दौरे के दौरान हमला हुआ था, उन पर भी किसी लोहे की चीज से वार किया गया था। तो भैया, इतिहास को मद्देनजर रखते हुए और पाकिस्तान के हालातों को ध्यान में रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान न जाना ही सही फैसला होगा, क्योंकि पाकिस्तान में पत्थर कब गोली और बम का रूप ले ले कोई नहीं बता सकता। जैसे साल 2009 में श्रीलंका की टीम बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिस लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में भारत के मैच कराने की बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, उसी गद्दाफी स्टेडियम से श्रीलंकन क्रिकेट टीम को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था। उन तस्वीरों को याद करके आज भी लगता है कि इस देश में जाकर क्रिकेट खेलना मतलब मौत को दावत देना। शायद इसीलिए श्रीलंका की टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में खराब खेल दिखाया और खुद को चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं कराया, क्योंकि एक बार उनकी टीम पहले भी मौत को छूके से वापस आ चुकी है, अब दोबारा उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे अच्छी बात तो तब होगी जब 2-3 टीमें आगे आकर कह दें कि भैया हम भी नहीं जाएंगे पाकिस्तान,
तभी तो होगी बेटे मजे ही मजे, मजे ही मजे। तो इसी मजे वाली बात के साथ वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसी लगी वीडियो लाइक करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको, कल मिलते हैं। जय हिंद।